जी नमस्कार, मैं आचार्य राकेश शास्त्री श्री शिव पंचानंद राधा केशव दरबार से, केशव ग्रीन सिटी से अवगत कराना चाहेंगे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा परेवा तिथि से जो हमारा नूतन संवत प्रारंभ होता है विक्रम संवत, उसी दिन से चैत्र के नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। नवरात्रि का कल प्रथम दिवस है। प्रातः दिवस में घट स्थापन का मुहूर्त दिया गया है जो कि 6:42 से आरंभ होगा। प्रत्येक लोग जो भी नवरात्र का व्रत करना चाहते हैं, पहला या आखिरी रखना चाहते हैं, वो नवरात्र की परेवा और अष्टमी का व्रत रखते हैं। प्रातः में घट स्थापन करें, भगवती का पूजन करें, भगवती से समस्त प्रकार के रोगों की शांति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, अपने सुहाग के सौभाग्य की रक्षा के लिए भगवती का पूजन करें। भगवती के विशेष मंत्र जाप का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र का स्मरण करें और सप्तशती का पाठ करें या ब्राह्मणों के द्वारा कराएं, अन्यथा ना कर पाने की स्थिति में सिर्फ सप्तशती के अंतिम में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें जिसका विशेष बहुत ही फल शुभ बतलाया गया है। सबसे विशेष बात है कि 9 दिन व्रत रखें। व्रत पूर्ण रूप से 9 दिन ना रख पाएं तो पहला और आखिरी रखें, किंतु व्रत ना रखने की स्थिति में भी नियमों का पालन करें। शुद्ध सात्विक आहार लें बिना लहसुन प्याज का, अपने घर का बना हुआ ही खाएं। प्रयास कर सकें कि व्रत ना भी रहें उस स्थिति में सायंकाल के समय जो भी अन्न बनाएं उसका भगवती को भोग लगाएं और स्वयं ग्रहण करें। प्रातःकाल सायंकाल के समय भगवती की आराधना करें। यदि नज़दीक में आपके स्थान के निवास के निकट में कोई मंदिर है तो मंदिर अवश्य जाएं, बच्चों को ले जाएं ताकि उनके भी संस्कार इस चीज़ से आगे बढ़ें। जन कल्याण के लिए क्या संदेश है आपका? जन कल्याण के लिए सर्वोपरि यही संदेश रहता है कि सभी के सुख की कामना के लिए व्यक्ति को धर्म करना चाहिए।